तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे राजनीतिक या पॉलिटिकल जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स ऑब्जेक्टिव रूप में। तो इसमें अभी तक हम लोग 200 क्वेश्चंस ख़त्म कर चुके हैं, 201 से हमें देखना है। याद रखिए आपके जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रूप में ख़त्म किए जा रहे हैं वो सभी आपको सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसी में मिल जाएंगे, ठीक है। 201 बार संसद में शामिल नहीं है, संसद में शामिल नहीं है। तो सबसे पहले तो याद रखिए राज्यसभा शामिल है, भारतीय राष्ट्रपति शामिल है, लोकसभा शामिल है, लेकिन इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं है। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्र प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति को हम लोग इनसे मिलकर आपकी संसद बनती है, ठीक। क्वेश्चन है दूसरा, क्या है? युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है कौन है? राष्ट्रपति। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है दूसरा, क्या है? भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? निलंबित वीटो, पूर्ण निषेध वीटो, वीटो और पॉकेट वीटो, यानी कि ये सभी होती हैं। क्या होगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन है चार, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? राज्यसभा आपका भाग लेता है, लोकसभा भी लेता है, इसमें विधान परिषद नहीं लेता है, विधानसभा लेता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन, क्योंकि विधान परिषद है आपका, ये नहीं लेता है। क्वेश्चन है पांच, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो याद रखिए कई बार, कोई लिमिट नहीं है, ठीक। क्वेश्चन है सिक्स, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? तो याद रखना प्रधानमंत्री। क्वेश्चन सात, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। क्वेश्चन है आठ, क्या है? लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा, सत्तावसान द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। तो इसमें डी होगा आपका, ठीक है, इन सभी द्वारा। क्वेश्चन है हमारा नौ, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। क्वेश्चन है दसवां, लोकसभा सदस्यों के नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन देता है? तो याद रखना लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। क्वेश्चन है ग्यारह, क्या है? निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन है बारह, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन है तेरह, भारतीय संसद में शामिल है, भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन है हमारा चौदह, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो याद रखना लोकसभा द्वारा। क्वेश्चन है पंद्रह, क्या है? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये 1952 में, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ आपका? 1952 में। क्वेश्चन सोलह, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है?
उत्तर प्रदेश, राज्यसभा में हो या लोकसभा में, दोनों में ही ज्यादा बेचता है। ठीक, क्वेश्चन है आपका, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए थे? तो इसमें आपके 14वीं के हुए थे। क्वेश्चन है 18, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो याद रखना 12 सदस्यों को। क्वेश्चन है 19, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। क्वेश्चन है 20, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। कितनी? 552। क्वेश्चन है आपका 21, क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका के, यूएसए। क्वेश्चन है दूसरा, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? ये तो देख ही लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन है 23, उपराष्ट्रपति को पद की अवधि कितने वर्ष की होती है? उपराष्ट्रपति की 5 वर्ष। क्वेश्चन है 24, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति, याद रखना कौन करता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व करता है उपराष्ट्रपति, उसे याद रखना। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। क्वेश्चन है 26, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो याद रखना राज्यसभा का। इस क्वेश्चन को याद रखना क्योंकि बहुत ही सिंपल है लेकिन पूछता बार बार है। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा। क्वेश्चन है 27, राज्यपाल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखना उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन है 28, किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकती है? 14 दिन। क्वेश्चन है 29, क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? संसद। क्वेश्चन है 30, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो यह है संसद। 31, क्या है? क्वेश्चन है 31 आपका, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? लोकसभा। क्वेश्चन है 32, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति आपका उपराष्ट्रपति होता है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन है 33, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। 31 है, कितनी है? 31। और लोकसभा में कितनी है? 80। ठीक, याद रखिए। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, यही मध्य प्रदेश की आपको बता दें तो मध्य प्रदेश की 29 + 11, 29 है आपकी लोकसभा की और 11 हैं राज्यसभा की, और 230 हैं विधानसभा की मध्य प्रदेश की। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ये थे आप डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी ऑप्शन सही है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? तो यही रहे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन है 36, क्या है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है?
याद रखना संसद को, किस चाहिए संसद को। क्वेश्चन है 37, क्या है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। भारत की संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो याद रखना 19 I में। क्वेश्चन है हमारा 38, भारतीय भाषाई आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, 1956 में। क्वेश्चन है आपका 39, क्या है निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकता है या बढ़ा सकता है, तो याद रखना संसद। क्वेश्चन है हमारा 40, नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, संसद को। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 41, क्या है क्वेश्चन है हमारा 41, भारतीय संविधान की अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो याद रखना है अनुच्छेद 17 है आपका, अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित है। क्वेश्चन है 42, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो याद रखना 1953 में। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 43, क्या है निम्नलिखित में से किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, निम्नलिखित में से किस तरह से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जन्म से, पंजीकरण से, वंशानुगत से, मतलब ये सभी, डी ऑप्शन होगा, ठीक है सभी, इन सभी प्रकारों से। क्वेश्चन है आपका 44, मौलिक अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है, तो याद रखना राष्ट्रपति। क्वेश्चन है आपका 45, क्या है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत विवर्तित किए जा सकते हैं, मौलिक अधिकार, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 46, क्या है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन है 47, क्या है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है, तो याद रखना अनुच्छेद 25 द्वारा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 25 के तहत दिया गया है। क्वेश्चन है आपका 48, क्या है निम्नोक्त समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए किया जा सकता है, तो याद रखना अधिकार उपेक्षा, बी ऑप्शन सही होगा, क्या होगा बी सही होगा। क्वेश्चन है 49, भारत की संचित निधि से धन निर्गम का किस पर किसका नियंत्रण होता है, संसद का, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 50, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है, तो याद रखना राष्ट्रपति। क्वेश्चन है 51, किसी दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं, किस दल ने 2 वर्ष में समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं, तो याद रखना जनता पार्टी ने। क्वेश्चन है हमारा 52, क्या है भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुत्व निवास करती है प्रधानमंत्री में। क्वेश्चन है हमारा 53, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन है 54, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, तो याद रखना प्रधानमंत्री के पास, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 55, क्या है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण
का एक साधन नहीं है। क्या नहीं? साधन नहीं है, सदन का विघटन नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव है, संकल्प है, प्रश्न है, लेकिन सदन का विघटन नहीं है। तो इसमें क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है 56, भारतीय संघ का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है लोकसभा के लिए। क्वेश्चन है 57, क्या है? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन है 58, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन है 59, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 75 में। किसमें? अनुच्छेद 75 में। क्वेश्चन 60, क्या है? यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किस में निहित होती है? मंत्रिपरिषद में, यथार्थ में, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है 61, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 3। क्या है? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 63, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? कैबिनेट मंत्री रहता है, संसदीय सचिव नहीं रहता है, उपमंत्री रहता है, राज्य मंत्री रहता है, ठीक। इसमें बी ऑप्शन होगा, 63 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है 64, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? याद रखना, उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है, तो इसमें क्या होगा? बी। क्वेश्चन है आपका 65, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। क्वेश्चन है 66, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव। क्वेश्चन है 67, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद पर। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 68, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। किसके? लोकसभा के। क्वेश्चन है 69, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन है आपका 70, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके गणेश वासुदेव मावलंकर। डी ऑप्शन सही है। क्या है? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 71, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष के। क्वेश्चन है आपका 72, निम्नलिखित में कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं? बलिराम भगत रहे हैं, केबी के सुंदरम नहीं रहे, हुकुम सिंह रहे, तो इसमें आपका बी होगा। क्या होगा? 72 में बी ऑप्शन। क्वेश्चन है 73, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय अंतिम रूप से कौन करता है? निर्णय कौन करता है अंतिम रूप से? तो याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 74, क्या है? लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। किस द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। विपक्ष का नेता होने के लिए 1/10 सीटें जरूरी होती हैं, जैसा कि आपको पता होगा 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा में विपक्ष का कोई भी नेता नहीं है, क्योंकि 1/10 सीटें किसी दल की नहीं आई, मतलब टोटल सीटों में 10% किसी की नहीं आई। क्वेश्चन है आपका 75, लोकसभा अध्यक्ष अपना पद
अपना इस्तीफा भेज सकता है उपाध्यक्ष को। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 76। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता। कौन था? बलवंत राय मेहता। क्वेश्चन है हमारा 77। क्या है? जिला परिषद का मुख्य कार्य है समन्वय एवं पर्यवेक्षक। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 78। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है राज्य सरकार पर। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 79। क्या है? 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की मध्यस्थता किसने की थी? अशोक मेहता ने। किसने? अशोक मेहता ने। क्वेश्चन है 80। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर। क्वेश्चन है 81। क्या है? पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है? पंचायत राज्य प्रणाली आपकी कहाँ नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन है आपका 82। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? ये हुआ था आपका चेन्नई में। ए ऑप्शन सही है। क्या है? ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 83। क्या है? यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा इसका? 6 माह के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 84। क्या है? पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं। ये हैं आपकी सरकारी अनुदान पर। किस पर? सरकारी अनुदान पर। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 85। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम मुखिया। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 86। पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत क्या है? सरकारी अनुदान। क्या है? सरकारी अनुदान। क्वेश्चन है 87। पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 21 वर्ष। क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष। आपका क्वेश्चन है 88। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है 1993 में। कब हुई? 1993 में। क्वेश्चन है 89। दल बदल विरोधी कानून से संबंध संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो याद रखना 52वां अनुच्छेद। ये 1985 में हुआ आपका। 10वीं अनुसूची है इससे संबंधित थी, दल बदल से संबंधित। क्वेश्चन है 90। निम्नलिखित संविधान संशोधन में कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? तो याद रखना 52वां। क्वेश्चन है हमारा 91। क्या है? किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। किसे? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन है 52वां। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो याद रखना पंचायती राज से। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज से। भारत में पंचायती राज प्रारंभ किया गया कब? 1959 में नागौर राजस्थान में सबसे पहले हुआ था। ठीक। क्वेश्चन है 94। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था? तो याद रखना 1951 में। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 95। क्या है? किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। पहले 21 वर्ष थी, फिर 18 वर्ष कर दी गई है। तो अब याद रखना ये था आपका 61वां संविधान संशोधन। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका क्या है?
42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है मूल कर्तव्यों से। क्या है ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 97वें, भारतवर्ष में मताधिकार की आयु को किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है संवैधानिक संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन है हमारा 98वें, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। यह 1985 का 52वां संविधान संशोधन कौन सा है। 99वें। अगला क्वेश्चन 99वें, भारतीय संविधान के संशोधन में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। 91वां संविधान संशोधन। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 300, क्या है संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो याद रखना, तीन प्रकार से संविधान संशोधन तीन प्रकार से किया जा सकता है। तो चलिए, ये थे आपके 300 क्वेश्चंस तक। 301 से हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है।